चैलेंजर बैंगलोर की टीम भारी पड़ी मुंबई इंडियंस की टीम पे। जानिए इस रिपोर्ट में कि क्या हुआ कल के मैच। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और पहली पारी में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 166 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे। सबसे ज्यादा रन मैक्सवेल ने 56 रन बनाए। और मुंबई इंडियंस के बॉलर्स की बात करो तो सबसे अच्छी गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट निकाले। जवाब में मुंबई इंडियंस केवल 111 रन बना पाई 10 विकेट के नुकसान पे। सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने 43 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की बात करो तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से सबसे अच्छी गेंदबाजी हर्षल पटेल ने 4 विकेट निकाले जिसमें हैट्रिक शामिल था और हैट्रिक में करण पोलार्ड, हार्दिक पांड्या और राहुल चार का विकेट निकाला। उसके अलावा यजुवेंद्र चहल और ग्लेन मैक्सवेल ने भी अच्छी गेंदबाजी की। यजुवेंद्र चहल ने 3 विकेट और ग्लेन मैक्सवेल ने 2 विकेट निकाले। इस मैच का मैन ऑफ द मैच ग्लेन मैक्सवेल को दिया जिसने 56 रन स्कोर किए और 2 विकेट भी निकाले। रोहित शर्मा ने कहा कि हम ईशन किशन को बैक कर रहे हैं इसके लिए हम ईशन किशन को 1 डाउन भेजे और ईशन किशन काफी अच्छे प्लेयर है पर इस साल वो फॉर्म में नहीं है तो हम चाहते हैं कि वो इस साल फॉर्म में है। वही रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान ने अपने गेंदबाजे और बल्लेबाजे की काफी तारीफ की। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल की भी तारीफ की और केएस भरत की भी तारीफ की जिन्होंने 32 रन बनाए 24 गेंदों में और कहा कि उन्होंने उनके ऊपर से प्रेशर हटा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि देवदत्त पडिक्कल काफी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं पर इस मैच में उनको वो स्टार्ट नहीं मिल पाया पर मिडल ऑर्डर में ग्लेन मैक्सवेल ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। तो दोस्तों आज है मैच सनराइज हैदराबाद वर्सेज राजस्थान रॉयल्स का। राजस्थान रॉयल्स 6ठे स्थान पे और सनराइज हैदराबाद 8वें स्थान पे है। पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स है। चेन्नई सुपर किंग्स के बाद दिल्ली कैपिटल्स है, फिर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर है, कोलकाता नाइट राइडर, पंजाब, राजस्थान रॉयल और मुंबई इंडियंस और सबसे आखिर में सनराइजर हैदराबाद है। सनराइजर हैदराबाद अगर आज का मैच हारती है तो वो लगभग आईपीएल 2021 से बाहर हो जाती है। वही राजस्थान रॉयल आज का मैच हार जाती है तो वो एक स्थान नीचे आ जाएगी और मुंबई इंडियंस एक स्थान ऊपर आ जाएगी। राजस्थान रॉयल ये मैच जीतती है तो वो 4थे स्थान पे पहुंच जाएगी और सनराइजर हैदराबाद अगर ये मैच जीतती है तो वो आखिरी स्थान में रहेगी क्योंकि सनराइजर हैदराबाद के पास 2 पॉइंट है। क्या होता है आज की मैच में अपडेट्स लेके मैं आते रहूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए यश डाडा न्यूज से। मैं विशाल मुकेश अम्मा।